तैयार जिनपिंग का प्लान, लॉन्च ऑपरेशन ताइवान। यूक्रेन में उलझे अमेरिका और नेटो देशों को एक बड़ा झटका देने की तैयारी हो चुकी है। इस बार बारूदी मुहाना खुलने जा रहा है पूर्वी क्षेत्र में। आपको समझने में कोई गलत फहमी नहीं हुई, इस विनाशकारी तैयारी का मोर्चा संभाल रहा है रूस का वही दोस्त चीन, जो जंग के मुहाने पर अमेरिका के खिलाफ परंपरागत रूप से तैनात है। दरअसल चीन के बारूदी टारगेट पर साउथ चाइना सी के साथ ताइवान पहले से बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी दखल की वजह से अब तक चीन ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। पर अब ऐसा नहीं होगा, चीन की आक्रामकता बढ़ गई है, उसके टारगेट पर ताइवान आ चुका है। जिस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और यह अटैक चीन के लिए आसान भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की साउथ चाइना सी में तैनाती पहले से हो चुकी है। वही आसमान से मोर्चा संभालने के लिए फाइटर जेट्स भी उड़ान भरने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने फाइटर प्लेन ताइवान के एयर जोन में भेजे। इन फाइटर जेट्स की संख्या करीब 24 बताई जा रही है, लेकिन इस बार चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि ताइवानी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में एक ऐसे फाइटर जेट का नाम भी शामिल है जो चीन के इस बारूदी एक्शन में रूस के कनेक्शन की पुष्टि करता है। अब क्या है ये कनेक्शन, इस रिपोर्ट को विस्तार से समझिए। ताइवान की वायुसेना ने चीन के फाइटर जेट देखने का दावा किया। चीन के 10 फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट को पार करते देखे गए, जिसके बाद ताइवानी एयरफोर्स ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वही दावा यह भी हुआ कि चीन के युद्धपोत भी साउथ चाइना सी में गश्त लगाते इंटरसेप्ट हुए हैं। और चीन की इतनी आक्रामकता का कारण था रूस का सहयोग। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान में शामिल नहीं किया है, लेकिन जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है उसे सार्वजनिक करने के दौरान मीडिया के सवाल जवाब में इस वाक्य का इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए आधार भी दिया गया। आधार यह है कि चीन के J-10, J-11, J-16 इंटरसेप्ट किए गए थे। इसके अलावा सुखोई-30 के साथ H-6 बॉम्बर भी देखा गया। उड़ान वाले दल में कुल 24 प्लेन होने का दावा किया गया। यानी सुखोई-30 का नाम लेकर ताइवान ने बताने की कोशिश की है कि चीन के साथ मिलकर ताइवान के खिलाफ आक्रामक तैयारी में रूस भी शामिल है। इस पर एक्शन का मतलब समंदर में तैर रहे चीन के युद्धपोतों से हाहाकारी प्रहार का सामना करना हो सकता था। और ये सब ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन के अमेरिका दौरे के बाद हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ताइवान के खिलाफ इस तरह की आक्रामकता दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब एक और रिपोर्ट से मिलता है। चाइनीज सूत्रों के हवाले से तैयार रिपोर्ट के अनुसार ताइवान का घेराव चीन ने एक रणनीति के तहत किया है। यूक्रेन की जंग में रूस के कमजोर पड़ते ही साउथ चाइना सी का मोर्चा खुल जाएगा। अमेरिका और नेटो देशों का ध्यान बांटकर रूस बढ़त बनाएगा, और अगर अमेरिका ने ताइवान को अकेला छोड़ा तो चीन उस पर कब्जा कर लेगा। यानी ताइवान के भाग्य को लेकर तनाव बढ़ रहा है, जिसे प्रेसिडेंट जिनपिंग के रणनीतिक ऐलान से समझा जा सकता है। वो लगातार ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए हर तरह के सोर्स का इस्तेमाल करने का संकल्प लेते रहे हैं, इसलिए तैयारी हमेशा से जंग की रही है। लेकिन इस बार तैयारी और आक्रामकता बढ़ चुकी है, जिससे साफ पता चलता है कि पुतिन के इशारे पर जिनपिंग ताइवान पर चढ़ाई कर देंगे। यानी अमेरिका के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।